स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कवर कर चुके हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो भी प्रीवियस टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं उन सभी के लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, दैट इज़ आइसोमेरिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है। तो सबसे पहले देखिए आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमेरिज्म को डिफाइन करने से पहले आप सिंपली इसका मीनिंग समझिए। देखिए मैंने आपको करवाया है नोमेनक्लेचर, राइट, वी हैव डन द नोमेनक्लेचर, और उसी बेसिस पे आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। नोमेनक्लेचर की अगर नॉलेज ना हो तो इस टॉपिक को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं, एक का नाम क्या होगा। देखिए OH क्या है, OH इज अ फंक्शनल ग्रुप। OH क्या है, इट इज अ फंक्शनल ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, OH लगा हुआ है। OH रिप्रेजेंट करता है एल्कोहल को, राइट। अब हम इसकी नेमिंग किस तरह से करते हैं, जहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसे हम सबसे छोटा नंबर प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं जब भी हम इसकी नंबरिंग करते हैं। तो यहाँ पे आएगा एक नंबर, 1, 2, 3। अब इसी तरह से इस कंपाउंड में हम नंबरिंग करेंगे 1, 2, 3। इस कंपाउंड की नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी, क्योंकि दोनों तरह नंबरिंग करने पर यहाँ पे जो फंक्शनल ग्रुप है उसे 2 नंबर ही आ रहा है। तो अगर नंबर सेम आ रहा है तो नंबरिंग कहीं से भी की जा सकती है। अब देखिए ये जो हमारा पहला कंपाउंड है इसका नाम क्या है। देखिए इसमें 3 कार्बन है, 3 के लिए हम वर्ड रूट यूज़ करते हैं प्रॉप, और फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है पहली पोजिशन पे। फर्दर मोर यहाँ पे कार्बन कार्बन में है सिंगल बॉन्ड्स, सिंगल बॉन्ड्स के लिए हम लगाते हैं AN। फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है पहली पोजीशन पर, और जब OH दैट इज एल्कोहल हमारे पास फंक्शनल ग्रुप हो तो उसके लिए सफिक्स लगाया जाता है OL। तो इस कंपाउंड का नाम बन गया प्रोपन 1-ol। इसी तरह से इस कंपाउंड का नाम बनेगा, 3 कार्बन्स के लिए वर्ड रूट आएगा प्रॉप, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है इसलिए N, और जो OH ग्रुप है वो सेकंड कार्बन के साथ है तो यहाँ आएगा 2, और इसके लिए सफिक्स आएगा ol। तो ये तो आ गए इनके केमिकल, और व्हाट एल्स यू कैन से द IUPAC नेम्स, और ये हमने ड्रॉ किए हैं इनके स्ट्रक्चर्स। अब देखिए अगर हम इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखें, अब देखिए कार्बन कितने हैं, 1, 2, 3, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनेगा C3। हाइड्रोजन्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एंड दिस वन 8, H8, देन इट इज हैविंग 1 ऑक्सीजन। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम आएँ तो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 1, 2, 3, C3, हाइड्रोजन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एंड दिस वन 8, H8, एंड 1 ऑक्सीजन। अब आप यहाँ पे देखिए दैट जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों ही कंपाउंड्स का सेम है, दैट इज C3H8O, जबकि अगर इनका स्ट्रक्चर देखा जाए, स्ट्रक्चर में एक में तो यहाँ पे अल्कोहल है, अल्कोहल एल्कोहलिक ग्रुप है, OH ग्रुप वो लगा हुआ है पहले कार्बन के साथ, जबकि इस केस में जो OH ग्रुप है ये लगा हुआ है सेकेंड कार्बन के साथ। तो हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों कंपाउंड्स हैं इनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, डिफरेंट, जबकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम। और इसी फिनोमिना को कहा जाता है आइसोमेरिज्म। सो व्हाट इज आइसोमेरिज्म, इट इज अ फिनोमिना, एक ऐसा फिनोमिना इन विच, जिसमें कंपाउंड्स हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, उनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो इसे अभी हम नोट करेंगे। सो व्हाट इज आइसोमेरिज्म, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप लिखेंगे आइसोमेरिज्म इज अ फिनोमिना
इन विच द कंपाउंड्स कि जो कंपाउंड्स हैं हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंट हैं बट हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लेकिन जो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है। और एक चीज़ याद रखें कि ये जो दो कंपाउंड्स हैं जिनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है एक दूसरे के आइसोमर्स। जो कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म शो करते हैं उन कंपाउंड्स को एक दूसरे के आइसोमर्स कहा जाता है, ये चीज़ भी याद रखें। तो अगर आए वाटर आइसोमर्स, आइसोमर्स आर द कंपाउंड एग्जिबिटिंग आइसोमेरिज्म, ऐसे कंपाउंड्स जो आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं एक दूसरे के साथ उन्हें कहते हैं हम आइसोमर्स। तो ये है अभी आपके पास बेसिक मीनिंग एंड एक्सप्लेनेशन फॉर आइसोमेरिज्म। तो अभी सबसे पहले आप वीडियो पॉज कर लें और इतना नोट कर लें, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। यस डन। सो अभी हम फर्दर डिस्कस करते हैं टाइप्स, that what types do we have in isomerism and these types are very important. Types of isomerism, देखिए वैसे तो यहाँ पे जो isomerism है इसकी 5 types हैं। We have chain isomerism, then नंबर टू पोजीशन आइसोमेरिज्म, नंबर थ्री फंक्शनल आइसोमेरिज्म, नंबर फोर टॉटोमेरिज्म एंड नंबर फाइव मेटामेरिज्म। सो बेसिकली आपके सिलेबस में इन द 10th स्टैंडर्ड वी हैव दीज 3 ओनली, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म, यही हमारे सिलेबस में है फॉर क्लास 10। जो ये दो टाइप्स हैं दीज आर इन योर क्लास 11, ये अभी आप डिस्कस नहीं करेंगे, ये क्लास 11 में आएंगे, बट फिर भी इतना ज़रूर पता होना चाहिए दैट हमारे पास 5 तरह के आइसोमेरिज्म्स होते हैं। इसके अलावा क्लास 11 में आपके पास और टाइप्स भी आएंगे तो वो चीज़ें तो चलो बढ़ती ही जाएंगी। फिलहाल आप यहाँ पे 3 आइसोमर्स को डिस्कस करेंगे, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ से अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चेन आइसोमेरिज्म की, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में क्या रहता है बेसिकली, यहाँ पे भी देखिए चीज वही है दैट वी हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन जो चेन है चेन में फर्क दिखाई देगा, चेन थोड़ी डिफरेंट होगी, चेन स्ट्रेट ना होकर ब्रांच हो जाएगी, इस तरह का यहाँ पे जो आइसोमेरिज्म है वो देखा जा सकता है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, इन चेन आइसोमेरिज्म मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है बट कंपाउंड्स डिफर, कंपाउंड्स जो हैं वो डिफर करते हैं इन इन देयर चेन फॉर्मेशन और सिंपली इन देयर चेन्स, वो अपनी चेन्स में फ़र्क लाते हैं। कभी मान लीजिए अगर हमारे पास स्ट्रेट चेन कंपाउंड है फिर उसकी ब्रांचिंग हो जाए, अदरवाइज उसमें जो मॉलिकुलर फॉर्मूला है वो सेम रहे तो उसे हम क्या कहेंगे, चेन आइसोमेरिज्म। अब देखिए चेन आइसोमेरिज्म में क्या है हमारे पास, हेयर इफ आई हैव
फॉर चेन आइसोमेरिज्म. ओके, तो देखिए मान लेते हैं ये मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन्स है. वी आर हैविंग बेसिकली द हेक्सेन वैलेंसीज को कंप्लीट कर देंगे बाय मार्किंग हाइड्रोजन्स. सिंस आई एम हैविंग 6 कार्बन के लिए आएगा है वर्ड रूट हेक्स, क्योंकि सभी में सिंगल बॉन्ड है इसलिए AnE, AN. तो ये है मेरे पास हेक्सेन. हेक्सेन बिल्कुल स्ट्रेट चेन में है, तो ये मेरे पास एक नॉर्मल हेक्सेन है, अ स्ट्रेट चेन हेक्सेन. लेकिन अगर इस तरह से लिखा जाए अब देखिए अब हम इन दोनों कंपाउंड्स का क्या करेंगे. सबसे पहले स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखते हैं कि स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी हमारे सामने आ गया. हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखते हैं. इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए, अगर हम कितने कार्बन्स हैं 6, तो हम लिखेंगे C6. हाइड्रोजन्स कितने हैं 6 + 6 = 12, 13 and 14. C6H14. इसी तरह से इस कंपाउंड का अगर हम मॉलिकुलर फॉर्मूला देखें तो हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर 1, 2, 3, 4, 5 and 6. तो कार्बन कितने हैं 6 एंड हाइड्रोजन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 and 14. हाइड्रोजन्स अगेन कितने हैं 14. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखिए बिल्कुल सेम है, 6 कार्बन है और 14 हाइड्रोजन्स हैं. तो ये कंडीशन तो कंप्लीट है दैट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम. अब फर्क कहाँ है. फर्क में देखिए यहाँ पे 6 कार्बन्स बिल्कुल स्ट्रेट चेन में है, बट इन दिस केस, ये दूसरे केस में हमारे पास 5 कार्बन्स 1, 2, 3, 4, 5 5 कार्बन्स तो एक दूसरे के साथ स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं, बट द 6th कार्बन इज हेयर मेकिंग अ ब्रांच. जो 6th कार्बन है वो यहाँ पे है, जो कि एक ब्रांच बना रहा है. तो ये हमारे पास है लीनियर चेन. यहाँ पे हमारे पास लीनियर चेन है. लीनियर मतलब सीधी चेन है, लेकिन ये है हमारे पास ब्रांच्ड चेन. तो यहाँ देखिए चेनिंग में फर्क आ गया ना, अदरवाइज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है. तो इसलिए इन दोनों कंपाउंड्स को कहा जाएगा एक दूसरे के चेन आइसोमर्स, कि ये दोनों एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं, राइट. अब देखिए हमें अगर इसका नाम लिखना हो, साथ ही साथ नोमेनक्लेचर की भी प्रैक्टिस करते हैं. अब ये जो CH3 लगा हुआ है अलग से, ये तो है सब्स्टिट्यूएंट. सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, CH3. जब भी हमारे पास CH3 सब्स्टिट्यूएंट हो तब हम उसे कहते हैं मिथाइल. और ये मिथाइल कहाँ लगा हुआ है, 3rd कार्बन के साथ. सो पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट 3, नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मिथाइल एंड हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर 5. 5 के लिए हम क्या लिखेंगे, वर्ड रूट PENT पेंट, और इनकी सिंगल बॉन्ड्स है इसलिए हम लिखेंगे AnE, AN. अब देखिए नाम में फ़र्क है, ये हेक्सेन है और ये है 3-methyl pentane. तो यहीं से क्लैरिफाई हो जाता है कि एक हमारे पास स्ट्रेट चेन कंपाउंड है जबकि दूसरा हमारे पास ब्रांच चेन कंपाउंड है, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम पोजेस कर रहे हैं. तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम कह देंगे चेन आइसोमेरिज्म. और ये दोनों ही कंपाउंड एक दूसरे के क्या है, चेन आइसोमर्स. इसके अलावा यहाँ पे इस आइसोमेरिज्म को स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर का फर्क हो जाता है. सो दे आर जस्ट डिफरिंग इन देयर स्ट्रक्चर. ये स्ट्रक्चर में फर्क आ रहा है. तो ये जो हमारे पास आइसोमर्स हैं, ये जो आइसोमेरिज्म है, ये हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है.
इसके अलावा एक और आइसोमेरिज्म भी होता है, इससे इसे डिफरेंट, दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म, लेकिन अगेन वही चीज़ है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो क्लास 11 में मिलेगा। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि वी हैव मेनी मोर टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, लेकिन यहाँ पे हम सभी डिस्कस नहीं करेंगे, ओनली दीज थ्री विल बी डिस्कस्ड। अभी इन्हें भी नोट कर लें। यस डन। अभी हम सेकेंड टाइप यहां पे डिस्कस करेंगे, विच इज द पोजिशन आइसोमेरिज्म। तो देखिए, आइसोमेरिज्म है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, तो यही चीज रहेगी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर बदलता जाएगा। यहां पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मीनिंग ही ये है, मींस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम, लेकिन जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर क्या होगा, डिफरेंट। तो अगेन, अब नेक्स्ट है हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन जो कंपाउंड्स है वो डिफर करेंगे इन देयर पोजीशंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। की पोजीशन कुछ डिफरेंट हो सकती है, देयर कुड बी अ डिफरेंस इन द डबल बॉन्ड और द ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन अलग हो सकती है कहीं पे। देन दे हैव अ डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, मतलब कोई ना कोई चीज़ जो है वो डिफरेंट पोजीशन पे लगी होगी। अब एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, वही एग्जाम्पल एक जो हम पहले कर चुके हैं अभी, यहां पे देखिए फंक्शनल ग्रुप OH है, लेकिन एक केस में जो OH है वो पहले कार्बन के साथ लगा हुआ है, जबकि दूसरे केस में जो OH है वो सेकेंड कार्बन के साथ लगा हुआ है। सो देयर इज अ डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में यहाँ पे डिफरेंस है, अदरवाइज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही है, तीन कार्बन है दोनों में ही, 1 2 3 1 2 3, एंड हाइड्रोजन्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और एक है ऑक्सीजन। सिमिलर इन द अदर केस, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो इसके पास भी कितने हैं, 3, 8 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। सो डेफिनेटली जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो सेम ही है, फर्क कहाँ आया, इन द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। एक है हमारे पास प्रोपेंटूल, वन इज प्रोपेंटूल, देन वी हैव प्रोपन वन ओल, कि एक में जो फंक्शनल ग्रुप है वो पहली पोजीशन पे है, दूसरे में दूसरी पोजीशन पे है। सो हेयर इज द डिफरेंस। ऐसे आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, और ऐसे कंपाउंड्स को कहा जाता है एक दूसरे के पोजीशन आइसोमर्स। इसके अलावा और क्या हो सकता है, वी आर हैविंग अ कार्बन चेन जिसमें हमारे पास डबल बॉन्ड है। अब यहां देखिए डबल बॉन्ड है पहली पोजीशन पे, इसी तरह से अगर सेम हमारे पास पांच कार्बन्स वाला कार्बन कंपाउंड है, अब डबल पोजीशन देखेंगे कहां है, 1 2 3 4 5। अब देखिए यहां पे जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड इज एट फर्स्ट पोजीशन, लेकिन इस केस में जो डबल बॉन्ड है इट इज एट द सेकंड पोजीशन। तो अगेन पोजीशन में फर्क आ गया ना, जहां पे चीज की पोजीशन में फर्क आ जाए ऐसे हम आइसोमेरिज्म को क्या कहते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। इनका भी देखेंगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही मिलेगा, कार्बन कितने हैं दोनों में, 5, हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, हाइड्रोजन्स कितने हैं, 10, सो वी हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये चीज है यहाँ पे, तो ये हो गया हमारे पास पोजीशन आइसोमेरिज्म। इज डन। अब हम करेंगे थर्ड
आइसोमेरिज्म दैट इज द फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगेन द रूल्स आर गोइंग टू बी द सेम, कि जो यहाँ पे देखिए, अगेन द रूल्स आर गोइंग टू बी द सेम, कि यहाँ पे क्या होगा कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेसिकली सेम रहेगा, लेकिन जो कंपाउंड्स है वो डिफर करेंगे इन देयर फंक्शनल ग्रुप। वो फंक्शनल ग्रुप में डिफर करेंगे, फंक्शनल ग्रुप ही कुछ डिफरेंट रहेगा। एग्जाम्पल से समझिए, बहुत अच्छी क्लैरिफिकेशन मिलेगी आपको। अब देखिए ये क्या है, हमारे पास OH लगा हुआ है, मीन्स इट इज एल्कोहल। वन टू दिस इज इथेन वन ओल, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सी टू टू कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, सिक्स हाइड्रोजन्स एंड वन ऑक्सीजन। इसी तरह से अगर मेरे पास हो कार्बन एंड कार्बन, टू कार्बन आर देयर, देन वी हैव ऑक्सीजन इन द सेंटर कंबाइंड टू दीज कार्बन। अगर कार्बन दोनों साइड्स पे हो और बीच में ऑक्सीजन हो बॉन्डेड विद अ सिंगल बॉन्ड, तो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं ईथर। ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, ईथर। अब देखिए कार्बन की वैलेंसीज कंप्लीट करेंगे, वन थ्री बॉन्ड्स हियर एंड थ्री बॉन्ड्स देयर, तो यहाँ पे हाइड्रोजन्स मार्क करेंगे, तो ये हमारे पास ईथर बन चुका है। अब ईथर में भी अगर हम देखें क्या है, टू कार्बन्स हैं, हाइड्रोजन्स कितने हैं, थ्री प्लस थ्री सिक्स एंड ऑक्सीजन एक है। अब देखिए ये OH वाला जो कंपाउंड है, OH दैट इज बेसिकली एल्कोहल, और जब हमारे पास दोनों साइड्स पे कार्बन है और बीच में ऑक्सीजन है, ये हमारे पास एक डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज ईथर। तो यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, जबकि जो यहाँ पे इनके पूरे के पूरे स्ट्रक्चर्स हैं डिफरेंट है, फर्दर मोर फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है। यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल है और दूसरा ईथर है। तो इस तरह से अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज द सेम, बट जो कंपाउंड्स हैं वो अपने फंक्शनल ग्रुप में ही डिफरेंट हो, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो इस हिसाब से जो अल्कोहल एंड ईथर है, अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। लेकिन इस चीज़ का आप ख्याल रखें कि अगर यहाँ पे हमारे पास दो कार्बन वाली अल्कोहल है, तो ईथर भी होना चाहिए हमारे पास दो कार्बन वाला। तो कॉरस्पॉन्डिंग अगर हम कार्बन्स देखें अल्कोहल और ईथर में, तो ये हमारे पास क्या रहेंगे, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो ये है हमारे पास ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ आइसोमेरिज्म। आई होप आपको ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ आया होगा। लेकिन अगर आप ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हैं आइसोमेरिज्म की और आपको नोमेनक्लेचर के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो डेफिनेटली पहले आप नोमेनक्लेचर सीखिए। दो पार्ट्स में कवर किया गया है उसे। सो वंस यू आर डन विद द नोमेनक्लेचर थिंग, उसके बाद आपके लिए ये जो आइसोमेरिज्म टॉपिक है, इसे समझना थोड़ा और ईजी हो जाएगा, वो आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। सो नोट कर सकते हैं आप इसे।